गुड आफ्टरनून एवरीवन। लाइव है? लाइव। अच्छा, आज बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए। आज ICS में एक बहुत बड़ी हरीश सर ICS कोचिंग सेंटर हांसी चलाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को लेकर आए हैं। मैं एक एक करके आप लोगों से मिलाऊंगी, पर पहले थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों से कर लेती हूँ। ICS कोचिंग सेंटर जब हमने स्टार्ट किया तो एक सपना था कि गरीब घरों तक जो बच्चे हैं, जो काबिल हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, जो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाते, उन लोगों तक हम एक रास्ता बना दें ताकि वो लोग सरकारी नौकरी तक पहुंच जाएं। धीरे 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 ये चीज़ बढ़ती गई, स्टूडेंट्स जुड़ते गए, उनका प्यार मिलता गया, सहयोग मिलता गया, साथ मिलता गया, और आज 2022 में मैं बहुत प्राउड से कहती हूँ कि हजारों घरों तक नौकरी के चिराग पहुंचा दिए हैं ICS ने, ICS की टीम ने, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आज हमारे बीच में हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले दो रिजल्ट आए हैं बड़े, एक तो रिवाइज होके आया रिजल्ट क्लेरिकल का और एक अपना दुर्गा शक्ति का मेल कांस्टेबल का। तो हांसी ब्रांच से बहुत सारे बच्चे हमारे बीच में हैं। मैं एक बार आपको हल्का सा एक व्यू दिखा देती हूँ, फिर एक एक से आपकी बात कराऊंगी। संदीप परिमल सर के पास कुछ पेरेंट्स भी हमारे बीच में हैं, आज कुछ पेरेंट्स भी हैं हमारे बीच में। ये सभी जितने चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी सेलेक्टेड हैं। सबके पास ले जाओ, थोड़ी थोड़ी बात बोल देंगे। जैसे अमीश के पास ले जाओ पहले। नमस्कार भाई सभी को, कैसे हो सभी? आप भी अच्छे से मेहनत करो। जैसे आज बच्चे सर के पास घड़ी लेने के लिए आए हैं, जितने जल्दी अच्छे से मेहनत करोगे सेलेक्ट हो जाओगे, और सभी को यहाँ घड़ी दिलाने के लिए लेके आऊँगा। जी सर, बाबू नाम बता दीजिए सर के बारे में। मेरा नाम पवन कुमार है और मेरा असिस्टेंट लाइन में मतलब। मेरा नाम राम है और सिलेक्टेड कैंडिडेट और हरियाणा पुलिस। थैंक्स फॉर असिस्टेंट। मेरा नाम वीरेंद्र चौहान है, मेरा SSC कलर सिलेक्शन। मेरा नाम बतेरी है, मेरा MPSW फीमेल में सिलेक्शन हुआ। मेरा नाम पूनम है, मेरा SSC क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन हुआ। मेरा नाम पूनम है, मेरा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ। इनका भी ले लो ना। मेरा नाम किरण है, अब की बार तो नहीं लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का घड़ी लेने आऊँगी। मेरा नाम पूजा है, मैं ICS हांसी ब्रांच से हूँ और मेरा भी अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, पर नेक्स्ट टाइम मैं भी घड़ी लेने जरूर आऊँगी। मेरा नाम प्रियंका है, मैं हांसी ब्रांच से हूँ और मेरा फीमेल कॉन्स्टेबल में सिलेक्शन हो गया। मेरा नाम ज्योति है, मेरा सिलेक्शन GD कॉन्स्टेबल में हुआ है। मेरा नाम पूजा वर्मा है और मेरा सिलेक्शन दुर्गा शक्ति में हो गया है। मेरा नाम सौरभ है और मैं ICS हांसी बताता हूँ, मेरा हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल में फाइनल सिलेक्शन। मेरा नाम रविंदर है, मेरा सिलेक्शन इरीगेशन डिपार्टमेंट में एज़ टेक्नीशियन में कुछ। मेरा नाम राकेश है, मेरा मेल कांस्टेबल में होगा। मेरा नाम मनीष है, मैं हांसी ब्रांच से हूँ और मेरा फाइनल सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में होगा। मेरा नाम जितेंद्र है, मैं हांसी ब्रांच से हूँ और मेरा फाइनल सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में। नमस्कार, इंद्रजीत हांसी ब्रांच से और अभी ग्रुप डी को रिजाइन करके क्लर्क में फाइनल रिजल्ट आ गया है, क्लर्क में ज्वाइन करूंगा और आज परिमल सर से और बबीता मैडम से आशीर्वाद लेने आया। आप बता दो कि मेरे बच्चे जो है एक लड़का एक लड़की, दोनों नौकरी एक लड़का एक लड़की। मेरा नाम दर्शना है, मैं आज बबीता मैम और परिमल सर को देख कर बहुत खुश हूँ। आगे मेरी बेटी को लेके आऊँगी, वो भी घड़ी लेके जाएगी। ये सभी लोग एक ही बैच में बैठे, एक ही बैच में पढ़े, लेकिन सिलेक्शंस बहुत सारी अलग अलग जगह पर हैं। इसी तरीके से आप लोग भी पढ़ोगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये लगातार जो सिलेक्शन का रास्ता है ICS, लगातार पढ़ते रहो, अपने भाई बंधुओं को पढ़ाते रहो, यही रास्ता है नौकरी लगने का, लगातार पढ़ने का।
जिन पेरेंट्स से आप मिले मैं आपको बताना चाहूँगी, उनमें से जो दो एक परिवार है इनमें से बेटा बेटी आए थे, दोनों का सिलेक्शन हो गया। और कुछ इस तरह के बच्चे थे जो बहुत ही गरीब परिवारों से थे, जिनकी की परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं थी, मेहनत करके उन सब ने कामयाबी हासिल की है। तो यही मैसेज है आज आप सभी लोगों के लिए, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, कि परिस्थितियाँ किसी भी तरह की हों, अगर इंसान मन में ठान ले कि मुझे जीवन में कामयाब बनना है और सही और सच्चाई के मार्ग पर चले और जिद करे कुछ अच्छा बेहतर हासिल करने की, एक बेहतर इंसान बनने की, तो फिर आसमान खुला है, आप जहाँ तक उड़ान भरना चाहें वहाँ तक भर सकते हैं। अपने पैरों के नीचे एक ज़मीन ज़रूर रखनी होती है ताकि आपकी उड़ान में कोई बाधा ना आए। तो ये सभी स्टूडेंट्स जितने आज आप सबसे मिले हैं, सभी सिलेक्टेड हैं। इनमें से दो लड़कियाँ जो आई हुई हैं, वो दो इसलिए आई हैं क्योंकि उनकी बेस्ट फ्रेंड्स का सिलेक्शन हुआ है, तो वो घड़ी दिलवाने साथ आई ये कह के कि जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो हम भी तुम्हें घड़ी दिलवाने आएंगे। तो बहुत खुशी हुई आज इन सभी से मिलके, और सभी लोगों के लिए यही मैसेज है कि खूब मेहनत कीजिए, पढ़िए। 2022 और 23 नौकरियों के साल है, जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो तरह तरह की बातें टाइम टू टाइम उठती रहती हैं, इन सबको निगलेक्ट करके अपने एक रास्ता पकड़िए, उस रास्ते पर मेहनत करते जाइए, आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। और मैं तो यही कहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं हैं, या कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, गरीबी है, या किसी के सर पे पिताजी का हाथ नहीं है, किसी के माँ बाप दोनों नहीं है। कंडीशंस कैसी भी हों तब भी हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, मेहनत करके कामयाब होना। तो खूब मेहनत कीजिए, रास्ते पे बने रहिए, और कोशिश कीजिए कि सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ अपने प्रति हमेशा ईमानदार रहें, मेहनत करते रहें, इसी तरह आसमान तक आप पहुँच सकते हैं। धन्यवाद। तो भैया अभी तो ये बच्चे जो क्लास में गए थे अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे, अब हम लोगों के साथ थोड़ा सा जो है नाश्ता सा किया है, थोड़ा सा एक आधा ब्रेड व्रेड खाया, मेरे को भी खिला दिए, पेड़े वेड़े भी खिला दिए। अब आप लोगों ने, सब लोगों ने एक एक खाया, मुझे चार पांच खिला दिए, फिर इसलिए वो बोलते हैं मुझे बालू हो गया मैं। चलो एक बार फिर सबका नज़र दिलवाता हूँ, देखो सब लोग यहाँ बैठे हैं, काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को सब बच्चों के साथ मिलके। तो तुम लोग भी अपना पढ़ो लिखो, तैयारी करो और फिर आओ, इसी प्रकार से फिर बैठते हैं और बातें करते हैं। थैंक यू वेरी मच।